हेलो गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि एयरटेल रिटेलर भी जितने भी हैं उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। तो जैसे कि अगर आप कभी भी MNP करते हो या सिम एक्टिवेशन करते हो दोस्तों, आप कभी कभी ये सोचते होगे कि आपने नंबर या MNP किया वो अभी तक क्यों नहीं खुला या कब तक खुलेगा। तो वो आप चेक करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ विस्तार से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, जैसे कि ये प्रोसेस सिर्फ रिटेलर ही कर सकता है जिसके पास लापो सिम होता है, रिटेलर जो कि एयरटेल के रिटेलर, वो इसको चेक कर सकते हैं कि कब तक खुलेगा, जो MNP किया है या सिम एक्टिवेशन किया है वो कब तक खुलेगा। तो उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लापो नंबर से, जो एयरटेल का लापो नंबर होता है, उससे आपको एक SMS करना पड़ेगा। अगर आप रिटेलर नहीं हो तो आप इस प्रोसेस को मत करिएगा, वो यहाँ से चेक आपसे नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आप कस्टमर हो, आपने MNP करवाया है, ठीक है, तो आप किसी भी रिटेलर से आप चेक करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप रिटेलर हो और आप चेक करना चाहते हो तो आपको सिंपली जाना है SMS बॉक्स में और यहाँ पे आपको टाइप करना है SMS बॉक्स में, ठीक है, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है MNP, ठीक है। इतना टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है STAT, MNP STAT। उसके बाद में आपको स्पेस देना है और जिस मोबाइल नंबर का आप स्टेटस चेक करना चाहते हो उसको यहाँ पे आपको सिंपली डालना है। जैसे कि एक नंबर है, मैं उसको यहाँ पे डालकर देख लेता हूँ। नंबर डालने के बाद में उसके बाद में आपको इसको भेजना है 121 121 पे, 121 पे आपको भेजना है, जो आपका लापो सिम पड़ा है उसी से इस मैसेज को सेंड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ। सेंड करने के बाद में यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है MNP अपडेट, योर मोबाइल नंबर हैज बीन सक्सेसफुली पोर्ट, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो रिलायंस जियो से टू एयरटेल में सक्सेसफुली पोर्ट हो गया है, तो ये नंबर पोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर देख लेते हैं जो कि यहाँ पे पोर्ट आउट अभी सक्सेसफुली नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर ले लिया है, अब हम यहाँ पे MNP STAT स्टार्ट और यहाँ पे स्पेस और जिस मोबाइल नंबर का आप स्टेटस चेक करना चाहते हो वो यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे हम फटाफट टाइप करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको भेजना है 121 121 पे भेजना है, लापू सिम से यहाँ पे मैसेज करना है और यहाँ पे इसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद में आपके जो रिप्लाई में क्या मैसेज आने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है MNP अपडेट, योर रिक्वेस्ट पोर्ट इन योर नंबर फ्रॉम रिलायंस जियो टू एयरटेल हैज़ बिन वैलिडेट एंड इतने तारीख को, यहाँ पे आपको नीचे आ रहा है प्लीज़ डायल 59059 आफ्टर 2027/28। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका नंबर जो कि यहाँ पे 28 तारीख को 23:50 पे चालू हो जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 59059 करना है, जो कि टैली वेरिफिकेशन होता है 59059 पे, और आपको यहाँ पे सर्विस वेरीफाइड कर लेना है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका नंबर कब खुलने वाला है, आपने अगर MNP किया है। ये प्रोसेस सिर्फ एयरटेल यूज़र के लिए है, एयरटेल के जो भी रिटेलर हैं वो इस प्रोसेस को चेक कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी हमने MNP कराया है वो कब तक यहाँ पे चालू होगा, क्या कैसे आए। तो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो और उनको यहाँ पे डेट बता सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल डेट आप बता सकते हो और उसी तारीख को यहाँ पे सक्सेसफुली आपका जो कि नंबर है वो खुल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय बाय।